नमस्कार दोस्तों, हम फिर से वापस आ गए हैं एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेसशिप यानी कि स्पेसक्राफ्ट के बारे में। दोस्तों स्पेस शटल से तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन आपकी जिज्ञासा इससे जुड़ी रोचक तथ्य से तो अवश्य ही होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अंतरिक्ष यान क्या है। दोस्तों एक अंतरिक्ष शटल कुछ हद तक रॉकेट और एक हवाई जहाज के समान होता है। ये एक रॉकेट की तरह लंबवत ले जाता है, लेकिन एक रनवे पर एक हवाई जहाज की तरह भूमि पर लैंड करता है। कई सालों से लोगों ने सोचा कि पृथ्वी से परे क्या था, किसी के भी पास हमारे वायुमंडल के बाहर की सीमाओं का पता लगाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर स्पेस शटल ने इन अन्वेषणों को होने की अनुमति दी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं स्पेस शटल या अंतरिक्ष यानों के बारे में कुछ दिलचस्प रोचक तथ्य और जानकारियां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जिसका नाम है सीरियसली स्ट्रेंज। और शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला, जापान ने साल 2005 में एक क्षुद्र ग्रह पर सफलतापूर्वक एक मानव रहित अंतरिक्ष यान उतारा और नमूने एकत्रित किए। ये प्रोब साल 2010 में पृथ्वी पर लौटा था। दूसरा, अंतरिक्ष शटल अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकी का पहला टुकड़ा था जो पुनः प्रयोज्य यानी कि रीयूजेबल था। तीसरा, नासा द्वारा अंतरिक्ष में 5 अंतरिक्ष शटल लॉन्च किए गए हैं। उनके नाम है एवेंडर, कोलंबिया, चैलेंजर, डिस्कवरी और अटलांटिस। उनमें से 2, चैलेंजर और कोलंबिया, दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। चौथा, वॉयजर 1 अंतरिक्ष यान की स्थिति की गणना करने के लिए कुछ 12.5 बिलियन मील दूर आपको केवल 1.5 इंच के भीतर सटीक होने के लिए पीआई के मान के पहले 15 अंकों का उपयोग करने की आवश्यकता है। पांचवा, अंतरिक्ष शटल की सबसे लंबी कक्षा 17.5 दिनों तक चली थी। छठा, अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में उपग्रहों, अंतरिक्ष प्रोब और अन्य कार्गो आसानी से ले जा सकता है। सातवां, प्रशांत महासागर के बीच में एक क्षेत्र है जहां अब जिन अंतरिक्ष यान की आवश्यकता नहीं है और उन्हें नियमित रूप से जमा किया गया है। इसे अंतरिक्ष यान कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है और विशेष रूप से ये वो स्थान भी है जहाँ निष्क्रिय मीर स्पेस स्टेशन दफन है। आठवां, अंतरिक्ष शटल के लिए ईंधन ज्यादातर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है। नौवां, स्पेस शटल सिस्टम में 4 प्रमुख घटक होते हैं, 2 ठोस रॉकेट बूस्टर, बाहरी टैंक, 3 मुख्य इंजन और ऑर्बिस्टर एड ऑन। दसवां, दोस्तों CIA ने एक बार सोवियत अंतरिक्ष यान को रात भर के लिए अपहरण कर लिया, इसे अलग कर लिया, इसका अध्ययन किया, इसे फिर से इकट्ठा किया और सोवियत को महसूस किए बिना इसे वापस भेज दिया। ग्यारहवां, पहली अंतरिक्ष शटल परीक्षण उड़ान साल 1981 में हुई थी। बारहवां, भारी ईंधन टैंक एकमात्र ऐसा हिस्सा है जिसे पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लॉन्च होने के बाद वायुमंडल में जल जाता है। तेरहवां, साल 2018 में लॉन्च हुआ स्पेसक्राफ्ट सौर प्रोब प्लस जो 432,000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ा था, जो अब तक का सबसे तेज विमान निर्मित वस्तु बना है। चौदहवां, पहले स्पेस शटल सॉफ्टवेयर से लैस नहीं थे जो कक्षा में रहते हुए साल में बदलाव को संभालने में सक्षम थे, इसलिए दिसंबर और जनवरी के बीच मिशन कभी नहीं हुए थे। पंद्रहवां, अंतरिक्ष शटल की थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में लगभग 30,000 रेड टाइल शामिल होती है। इन टाइलों का उपयोग तीव्र गर्मी को सहन करने के लिए किया जाता है। सोलहवां, अपोलो 12 सर्वेक्षक 3 अंतरिक्ष यान के 600 फीट के भीतर उतरा जो 2 साल पहले पहुंचा था। अंतरिक्ष यान के हिस्सों को पुनः प्राप्त किया गया और परीक्षण के लिए घर वापस ले आया गया। सत्रहवां, कुल 14 अंतरिक्ष यात्रियों ने 2 दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा दी जिसमें चैलेंजर और कोलंबिया दोनों नष्ट हो गए थे। अठारहवां, अंतरिक्ष यान डिजाइनरों को एक खराब समझने वाली घटना के साथ संघर्ष करना पड़ता है जिसे कोल्ड वेल्डिंग कहा जाता है, जहां स्वच्छ धातु की सतहें अंतरिक्ष के निर्वात में स्वयं को एक साथ जोड़ सकती है। 19वां, एक सैद्धांतिक अंतरिक्ष यान को प्रकाश की गति 92% यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया था जिससे मनुष्य को अपने जीवन काल के भीतर विभिन्न सितारा प्रणालियों की यात्रा करने की क्षमता मिलती है।
20वां वाइकिंग कार्यक्रम के अंतरिक्ष यान पर सूर्य के विविकरण दबाव के प्रभावों को नजरअंदाज कर दिया गया था। अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह कक्षा लगभग 15,000 किलोमीटर से चूक गया होगा। 21वां जबकि आर्मस्ट्रांग अभी भी चंद्रमा की सतह पर था तब सोवियत अंतरिक्ष यान एक लूना पर्वत श्रृंखला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 22वां चंद्रमा के बहुत दूर या अंधेरे पक्ष का पहला दृश्य साल 1959 में सोवियत अंतरिक्ष यान लूना 3 द्वारा लिया गया था। 23वां कजाकिस्तान से दूसरे ग्रह तक पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था। 24वां USSR ने अल्माज नामक एक बेहद गुप्त हथियार युक्त अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम लॉन्च किया। अंतरिक्ष स्टेशन को रैपिड फायर तोप से सशस्त्र बनाया गया था जिससे मानव अंतरिक्ष उड़ान इतिहास में ये एकमात्र हथियारदार अंतरिक्ष यान बन गया। 25वां गैलीलियो अंतरिक्ष यान ने कार्ल सागन द्वारा डिजाइन किए गए प्रयोगों के माध्यम से दूरस्थ रूप से पृथ्वी पर जीवन का पता लगाया गया था। तो दोस्तों आज का हमारे ये वीडियो यहीं हुआ समाप्त। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो बिना देर किए तुरंत लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, इसको फैला दीजिए। और दोस्तों हमारा मनोबल का भी थोड़ा ध्यान रखें, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। और देखते रहिए सीरियसली स्ट्रेंज, हम आपको ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक ख्याल रखें, धन्यवाद।